हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मील। माय नेम इज आस्था कटिहा एंड आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स, उनके सोर्सेज, केमिकल नेम्स और क्या क्या डिजीजेज होती हैं विटामिन्स की डेफिशिएंसी से, ये सब आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी मील को, ताकि आपको इस तरह की और एजुकेशनल वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, हॉर्मोन्स, बोन्स, मसल्स एटसेट्रा। ध्यान रखेगा, इनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, बट जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज होती है उसके लिए जरूरी होते हैं। ज्यादातर विटामिन्स हमें फूड से मिल जाते हैं और कुछ विटामिन्स जैसे कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। तो अब तक हम जान चुके हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। तो विटामिन्स दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड इसीलिए लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं एंड इसीलिए इनका कॉन्टिन्यूस सप्लाई जरूरी होता है। ऑन दी अदर हैंड, फैट सोल्यूबल विटामिन्स लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं एंड इसीलिए इनका डेली इनटेक रिक्वायर्ड नहीं होता है। पहले देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये दो होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ये चार होते हैं, विटामिन के, ई, डी एंड ए। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कीड़ा, कीड़ा यानी कि इंसेक्ट। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स के, ई, डी, ए, कीड़ा। तो आपने कीड़ा देखा ही होगा, अगर हम उसे वाटर में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि वाटर सोल्यूबल नहीं है एंड आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि वो फैट सोल्यूबल होगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ विटामिन्स, आई होप अब आपको ये याद भी हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं विटामिन्स के केमिकल नेम्स, ये मैं एक बार आपको फटाफट सारे बता देती हूँ, बिकॉज अक्सर एग्जाम में विटामिन्स के केमिकल नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन ए, इसको रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन बी वन थाइमाइन, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, बी थ्री पैंटोथेनिक एसिड, बी फाइव निकोटिनामाइड और नियासिन, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B12 साइनोकैबोलामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। तो ये थे सारे विटामिन के केमिकल नेम्स, आपको ये सारे याद रखने हैं बिकॉज एग्जाम में कोई भी विटामिन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं विटामिन्स के सोर्सेज एंड अगर उनकी कमी हो जाए तो उनसे कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। सबसे पहले विटामिन ए, ये हमें किन किन फूड प्रोडक्ट से मिल सकता है, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सबसे। एंड अगर इनकी कमी हो जाए बॉडी में तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस और स्किन एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, यानी बेसिकली आई से रिलेटेड दिक्कत आपको हो सकती है अगर आप विटामिन ए डेफिशिएंट है तो। नेक्स्ट इज विटामिन डी, ये हमें डायरेक्टली सनलाइट से मिलता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स एंड अडल्ट्स में ऑस्टोमलेशिया हो सकता है। ये दोनों ही बोन्स की प्रॉब्लम होती हैं, यानी कि हड्डियों से जुड़े हुए जो रोग होते हैं वो हमें विटामिन डी की कमी से होते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन ई, इसके सोर्सेज होते हैं मीट्स, पोल्ट्री, वेजिटेबल ऑयल्स, पपाया, ब्लूबेरीज, ये सब। एंड इसकी कमी से अभी तक ऐसा कोई मेजर केस देखा नहीं गया है कि कोई डिजीज होती हो। विटामिन के, विटामिन के सोर्सेज होते हैं सोयाबीन, स्पिनच, कॉटन सीड, ऑलिव एटसेट्रा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी कि अगर आपको कभी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड आपका खून बंद हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, आपका खून रुकेगा नहीं। नेक्स्ट इज विटामिन सी, विटामिन सी हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, टोमेटोज, ब्रोकली, टर्निप वगैरह से। एंड इसकी कमी से आपको स्कर्वी, अनेमिया, डिक्रीज्ड एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस एंड आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्कर्वी और एनेमिया क्या होता है। स्कर्वी एक बहुत ही रेयर डिजीज है जिसमें आपके गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है एंड अनेमिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में ब्लड में रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों डिजीजेज आपको विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने बाकी सारे विटामिन डिस्कस कर लिए हैं, अब बात करते हैं विटामिन बी के टाइप्स की। सबसे पहले विटामिन बी वन, इसके सोर्सेज होते हैं होल ग्रेन्स, नट्स, सीरियल प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। एंड इसकी डेफिशिएंसी से आपको बेरी बेरी डिजीज हो सकती है, इट इज रिलेटेड टू द इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट एंड नर्व्स। नेक्स्ट इज विटामिन बी टू, इसके सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, योगर्ट, नट्स, चीज,
एग मिल्क ये सब। एंड इसकी कमी से फिशेज इन द कॉर्नर ऑफ माउथ यानी कि आपके मुंह में छाले हो सकते हैं एंड टंग इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट इज विटामिन B3, इसके सोर्सेज हैं पीनट्स एंड मीट सीरियल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। एंड विटामिन B3 की कमी से आपको डायरिया स्किन डिजीज एंड डिमेंशिया जैसी डिजीजेज हो सकती हैं। विटामिन B5 ये आपको एग और बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है एंड इसकी कमी से भी अभी तक हमने कोई ऐसा मेजर केस नहीं देखा है। नेक्स्ट इज विटामिन B6, ये हमें मिलता है कॉर्न होलग्रेन सीड्स एंड सीरियल्स से एंड इसकी कमी से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड आपको और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन B7, ये हमें मिलता है एग योल टोमेटोज और ईस्ट से एंड इसकी कमी से भी हमें कोई डिजीज ऐसा नहीं मिला है अभी तक। नेक्स्ट इज विटामिन B9, इसके सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स ऑरेंजेस एंड राइट बीन्स। एंड अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होती है तो बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये एक केमिकल होता है जो फॉलिक एसिड विटामिन में मिलता है एंड सिर्फ कुछ ही फूड आइटम्स में जैसे एग एंड मिल्क में मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, ये मिलता है हमें एनिमल टिश्यूज एज लिवर किडनी एंड हार्ट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने स्टमक से अपना फूड वापस मुंह में ले आते हैं उसको दोबारा च्यू करने के लिए, जैसे कि काओ एंड शीप यानी कि जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं वो। एंड इसकी कमी से जो डिजीज होती है वो होती है मेगालोब्लास्टिक एनेमिया। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारा बोन मैरो बहुत ही एबनॉर्मली लार्ज और अनयूजुअल रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थे सारे विटामिन, उनके सोर्सेज एंड उनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीजेज हो सकती हैं वो सब हमने डिस्कस करी है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रीवियसली एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, इसको आप अटेम्प्ट जरूर करें। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने डिस्कस नहीं करा है, इसका आंसर आपको आपके घर के मेडिकल किट में मिल जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी मील को। इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज आस्था साइनिंग ऑफ। थैंक यू।